लावा आज थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन चुका है इंडिया के अंदर। अगर हम लोग इस साल का जनवरी फरवरी मार्च का फिगर देखें तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? लावा, जिसका नाम हमें हार्डली सुनने को मिलता था, आज सोशल मीडिया पे इसके नाम के चर्चे हैं। इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी स्मार्ट वर्क है। इसके अलावा एक और बढ़िया सी चीज आप सभी के लिए, लावा अग्नि 2 स्मार्टफोन जल्दी इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा लावा की तरफ से, लावा अग्नि 2 स्मार्टफोन के अंदर। ये एक 5G प्रोसेसर है और यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है Cortex A78 Cortex A55 बेस्ड कोर्स के साथ में आता है। काफी पावरफुल प्रोसेसर है। इनफैक्ट ये जो प्रोसेसर है अप टू 200 मेगापिक्सल कैमरा को सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। ये Wi-Fi 6 को भी सपोर्ट करता है। लेट्स सी लावा अग्नि 2 5G स्मार्टफोन किन स्पेक्स के साथ में आता है। लेकिन एक चीज तो लावा ने बताई दी है, वो अब ऐसी ऐसी चीजें करने लग गया है जो एक टाइम पे बड़े बड़े ब्रांड्स करते थे। लावा अब ये प्रोसेसर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर लॉन्च करने जा रहा है और ये एक हेडलाइंस बन चुकी है। दोस्तों, सारी चीजें पता करते हैं, लेकिन उससे पहले, कहानी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो टेक देखो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल हिट करना मत भूलिएगा। सो लावा की कहानी शुरू होती है 2009 में, जब उसका इंडिया मार्केट के अंदर जन्म हुआ था। उस टाइम तो सिर्फ फीचर फोन ही बनाते थे, लेकिन आज 2023 तक आते आते वो काफी सारी चीजें बनाने लग गई है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, फीचर फोन्स, ईयरफोन्स, फिटनेस बैंड्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। इंडिया के अंदर इनके 3 प्लांट्स हैं, लेकिन इंडिया के बाहर भी ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि थाईलैंड, श्रीलंका, मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नेपाल। इतने सालों में स्ट्रगल करने के बाद 2023 में ऐसा मौका आया है जब स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर ये स्मार्टफोन ब्रांड थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन चुका है 2023 में, जहां पे बाकी बहुत सारे बड़े बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इंडिया के अंदर माइक्रोमैक्स के खत्म होने के बाद लावा का कॉम्पिटिशन अब इंडिया के अंदर 2 बड़े ब्रांड्स के साथ में होने लग गया, एक शाओमी और दूसरा रियलमी। लेकिन शाओमी और रियलमी बहुत बड़े ब्रांड है इंडिया के अंदर और काफी ज्यादा मार्केट शेयर भी इनका ही है। इन कंपनीज ने 2-3 साल पहले ही समझ लिया था कि इंडिया के अंदर आगे आने वाले 2-3 साल के बाद में पब्लिक 10-12 हजार रुपए के नीचे कम स्मार्टफोन लेना पसंद करेगी और 15 हजार रुपए के ऊपर ज्यादा स्मार्टफोन लेना पसंद करेगी। और यही एक सॉलिड रीजन था कि शाओमी और रियलमी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने 10-12 हजार रुपए के नीचे अपना फोकस छोड़ ही दिया था पिछले 2 साल से। और इसलिए माइट भी आपने नोटिस किया होगा रेडमी नोट सीरीज, जो कि सालों से लॉन्च होती है 9999 यानी कि 10 हजार रुपए में, एक पॉपुलर सीरीज हुआ करती थी इंडिया के अंदर, हॉट फेवरेट हुआ करती थी, उसके भाव अब काफी ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। और इनफैक्ट रियलमी के भी स्मार्टफोन्स अगर आप लोग देखते हो तो वो भी अब ज्यादा फोकस करते हैं 15 हजार रुपए के ऊपर। इन शॉर्ट, लावा के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई, बस अब सिर्फ इंतजार था लावा का एक परफेक्ट स्मार्टफोन लॉन्च करने का। लावा ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, चीपेस्ट 5G फोन फिलहाल के टाइम पे इंडिया मार्केट के अंदर 11 हजार रुपए में लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन लावा ने वो लॉन्च कर दिया। एक ऐसा ब्रांड जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते थे, उसने चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया इंडिया मार्केट के अंदर, वो भी इस कॉम्बिनेशन के साथ में, जहां पे बड़े बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स 12-14 हजार रुपए में 4G स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, वहां पे लावा ने एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया, वो भी 10,999 रुपए में। समझ लीजिए यही एक टर्निंग पॉइंट था लावा के लिए। पब्लिक का अट्रैक्शन पूरा का पूरा लावा पे आ गया, मीडिया का फोकस भी पूरा का पूरा लावा पे आ गया। उसके बाद तो सिर्फ टाइम पास होने की जरूरत थी। जैसे जैसे टाइम बीता, लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन की सेल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और ये एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन की कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द टॉपेस्ट स्मार्टफोन बन गया। लावा को कंज्यूमर का टेस्ट पता चल गया। उसके बाद तो सिर्फ इंतजार था और स्मार्टफोन लॉन्च करने का, लेकिन लावा ने एक काम बढ़िया किया, उसका पूरा का पूरा फोकस 12 हजार रुपए के नीचे रखा, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिशन ताकतवर नहीं था। इनफैक्ट सिर्फ नाम का 5G स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया,
ग्लास बैक के साथ में 50 मेगापिक्सल कैमरा, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, टाइप सी पोर्ट और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में एक स्ट्रॉन्ग 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। लावा का दूसरा मास्टर स्ट्रोक, ऑनलाइन पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए लावा ब्लेज 5G लॉन्च किया। अब ऑफलाइन पब्लिक को भी तो अट्रैक्ट करना था। ऑफलाइन पब्लिक जो कि 8-9 हज़ार रुपए के अंदर एक स्मार्टफोन ढूंढ रही होती है, लुक्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस टाइम पे अगर एप्पल लुकिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाए तो पब्लिक थोड़ी बहुत तो अट्रैक्ट हो ही जाती है। लावा ने वही किया, लावा यूआर 2 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च करके, जहाँ पे बैक साइड में आपको ग्लास बिल्ड भी मिल जाती है, साथ में एक प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाती है जो कि हमें एप्पल के आईफोन के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे भी सिर्फ नाम का फोन लॉन्च नहीं किया, ग्लास बैक के साथ में मीडियाटेक का G37 प्रोसेसर, इसके अलावा साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। लावा का तीसरा मास्टर स्ट्रोक बाकी था, इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में उसे एक पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च करना था और उसका इंतजार पूरा हुआ लावा ब्लेज 2 के साथ में, जहां पे आपको एक बढ़िया डिजाइन तो देखने को मिल ही जाती है लेकिन काफी पावरफुल हार्डवेयर भी मिल जाता है। 6GB का UFS 2.2 की इंटरनल स्टोरेज 9000 रुपए में, ग्लास बैक पैनल भी 9000 रुपए में। इतना ही नहीं, एक ऐसा प्रोसेसर जिसका Antutu स्कोर 280,000 को क्रॉस कर जाए, UniSoC का T616 भी डाल दिया, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में लावा ब्लेज 2 एक काफी स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन साबित हुआ। लावा का चौथा मास्टर स्ट्रोक जो बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स अवॉइड करने लग गए थे 10-12 हज़ार रुपए के नीचे, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। यस, लावा अपने स्मार्टफोन के अंदर रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट्स पुश करता रहा, भले ही सिक्योरिटी पैच अपडेट्स, लेकिन वो आ रहे थे, रेगुलरली आ रहे थे। टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स से पब्लिक को भरोसा हो गया कि ये स्मार्टफोन ब्रांड भागने नहीं वाला, टिकने वाला है। लावा का पांचवा मास्टर स्ट्रोक जो उसे बाकी सारे स्मार्टफोन ब्रांड से अलग बना देता है, जहां पे बाकी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स 12,000 रुपए के नीचे, इनफैक्ट और भी कैटेगरी के अंदर पैसा बनाने के लिए बहुत सारे ब्लोटवेयर्स एड्स डालने लग गए, वहां पे लावा ने सोचा कि वो इन चीजों के बीच में नहीं पड़ेगा और इसीलिए लावा फिलहाल के टाइम पे अपने स्मार्टफोन के अंदर एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है बिना किसी ब्लोटवेयर्स के। यह भी एक सॉलिड रीजन है पब्लिक का भरोसा जीतने का। ओवरऑल लावा ने कुछ ऐसा काम किया जो बाकी सारे ब्रांड्स ने छोड़ दिया था और यही एक सॉलिड रीजन है क्यों लावा थर्ड फास्टेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड बन गया इंडिया के अंदर इस क्वार्टर में। वैसे अभी जितने स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं उसमें से लावा का आपका फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। इसके अलावा लावा ने एक और चीज कही थी, लावा अब 10,000 रुपए के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5G स्मार्टफोन्स ही लॉन्च करेगा। आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, नीचे शेयर का बटन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।